नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द होल स्टडी पॉइंट। साथियों, इन दिनों कोविड के अलावा लोगों के बीच एक और नई बीमारी आई है, नई बीमारी दस्तक दी है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा भय और दहशत का माहौल क्रिएट की हुई है। उस बीमारी का नाम है म्यूकारमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस या काला फंगस के नाम से भी इन दिनों जाना जा रहा है। चलिए, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं और ICMR इसको काफ़ी खतरनाक बीमारी बताया है। उसके अलावा बहुत सारा कुछ राज्य भी है, जैसे हरियाणा हो गया, कुछ कुछ ऐसा राज्य है जो इसको महामारी घोषित कर दिया अपने राज्य में। चलिए, इसके बारे में जानते हैं कि ये बीमारी है क्या, किसको प्रभावित कर रही है, इसके लिए क्या कोई दवा है, कोई प्रिक्यूशन है, मतलब कैसे अपने आप को हम सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहला चीज़ कि ये एक फंगस है, जैसा कि नाम ही है ब्लैक फंगस, एक फंगस है। और फंगस है तो ये नहीं कि ये नया बीमारी में आया है, ये हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ये लोगों को तब प्रभावित करती है जब इसके अनुकूल वातावरण मिलता है, इसके अनुकूल वातावरण मिलता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसके फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तब लोगों को ये प्रभावित करती है। इसमें हो क्या रहा है, तो ये बीमारी सबसे पहले किसको इफेक्ट कर रही है, ये बीमारी जो भी कोविड के पेशेंट हैं, जो भी कोविड पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं, जो भी लोग कोविड पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं उनको प्रभावित कर रही है। उनमें किसको, वैसे पर्सन जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट किडनी से संबंधित किसी को कोई बीमारी है, हार्ट से संबंधित किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित कर रही है। इन लोगों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। ये लोग जो कोविड पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ, इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। हो क्या रहा है इस बीमारी में, ये बीमारी जिससे कि कोविड के जो भी पेशेंट हैं, जब उनका स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाता है तो अस्पताल में ले जाया जाता है, तो उनको एक ऑक्सीजन का मास्क लगाया जाता है। ऑक्सीजन का मास्क का मतलब एक ऑक्सीजन का जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर पर लगा करके पाइप के माध्यम से उनको ऑक्सीजन नाक के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ऐसे मास्क लगा होता है तो ये वाला पार्ट ऐसे पूरा कवर करके रखता है, जिनका काफ़ी गंभीर स्थिति है, जैसे डायबिटीज के पेशेंट को कोविड हो चुका है, तो जब अस्पताल में जाते हैं तो उनको एक मास्क ऐसा ऑक्सीजन वाला नहीं लगाया जाता है जो ऐसे पूरा इसको कवर करके रखता है। तो चूँकि मास्क ये पूरा एरिया को ऐसे ये नाक के नीचे वाला जो एरिया है इसको कवर करके जब रखता है, तो अंदर का जो स्किन है, यहाँ जो हिस्सा कवर रहता है उसको कमज़ोर कर देता है। जैसे आप कभी मतलब अपने हाथ को ग्लव्स वगैरह पहनिएगा और 2-3 घंटा 5 घंटा ग्लव्स पहने रखिएगा, फिर ग्लव्स हटाइएगा हाथ पर से, तो देखिएगा हाथ ही पूरा जो है मतलब मुलायम टाइप का बन जाएगा। सेम वैसे ही मुलायम हो जा रहा है, क्योंकि ये रिकवर होने में 8-10-14-15 दिन लग जा रहा है, तो 14-15 दिन तक ये पूरा ऐसे कवर करके रखता है। और जब वो निगेटिव हो रहा है, मतलब रिकवर करके बाहर निकल रहे हैं, तो नाक के माध्यम से ये ब्लैक फंगस प्रवेश करता है, नाक के माध्यम से ब्लैक फंगस उन लोगों में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के क्रम में जो ये बीक वाला एरिया है, मतलब जो स्किन बीक हो चुका है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इसको लाल कर दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये रेड बना दे रहा है, इसको काफ़ी स्वेलिंग आ जा रहा है, सूजन आ जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे गांठ बना दे रहा है, क्योंकि ये स्किन पे जैसे नाक के बगल में कोई भी गांठ बनेगा तो आँख को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो आँख मतलब जो है पूरा चिपक जा रहा है, आँख में चिपचिपा हो जा रहा है, आँख खुल नहीं रहा है, आँख मतलब एक तरह समझिए आँख खराब हो जा रहा है, आँख पूरी तरह से आँख को ये मतलब ख़त्म कर दे रहा है। उसके अलावा इतना ज़्यादा घातक हो जा रहा है, कभी कभी ये नाक का जो अंदर वाला हड्डी है इसको काटना पड़ता है, इससे बचने के लिए लोगों को बचना मतलब बहुत कम इसका इलाज है, इसका अभी तक दवा वगैरह नहीं है, इसको हम प्रिक्यूशन सावधानी कुछ बरत करके और अपने आप को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बीमारी क्या है आपको पता चल गया, ठीक है। तो जैसे लोग बोल रहा है कि रेमडेसिविर वगैरह दिया जा रहा है, उससे साइड इफेक्ट है, बिल्कुल रेमडेसिविर जो दिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा उसका साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब रेमडेसिविर दिया जा रहा है कि कोविड से वो व्यक्ति अपने आप को लड़ने में मदद करे, मतलब रेमडेसिविर उस व्यक्ति को जो रोगी है रोगी को कोविड से लड़ने में हेल्प करे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर जानबूझ कर मतलब रेमडेसिविर दे रहा है, रेमडेसिविर दिया जा रहा है इसको बचाने के लिए, इसके अलावा कोई हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, जिस वजह से ये नया बीमारी हो रहा है। बीमारी क्या हो गया बता दिए। अब इस बीमारी में जैसे डायबिटीज़ किडनी हार्ट के जो पेशेंट उनको हो रहा है, इस बीमारी से बचने के लिए मतलब इसका लक्षण क्या है,
शुरुआती दौर में जैसे कैसे मतलब कोविड में बलगम हो जा रहा है, नाक वगैरह से बलगम आने लगता है, इसमें क्या हो रहा है कि सर वगैरह दर्द देने लग रहा है, यहाँ रेड रेड स्वेलिंग आ जा रहा है फेस पे, ये सब चीज़ मतलब दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जैसे आप नाक का जो अंदर वाला मुलायम वाला हिस्सा है, नाक के अंदर का जो मुलायम वाला चमड़ी है, उस चमड़ी में देखिए अगर काला कलर का परत जम जा रहा है, मतलब श्लेष्मा अंदर वाला जो हिस्सा है, श्लेष्मा अगर काला हो जा रहा है, जो थी जो श्लेष्मा काला हो जा रहा है, मतलब काला कलर का पपड़ी जम जा रहा है, समझिए कि वो ब्लैक फंगस का ही हिस्सा है। डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज करवाइए, ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि काफ़ी जब मतलब खतरनाक स्टेज में चल जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, पेशेंट को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ है, ये इसका लक्षण है। इससे हम बच कैसे सकते हैं? तो इससे बचने के लिए जो भी कोविड से पॉजिटिव से निगेटिव हुए लोग हैं, उनको सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए? तो उनको सबसे पहला चीज़ की एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए एक्सरसाइज मतलब किसी चीज़ का नहीं, कोई भी बीमारी है, आप खुद एक्सरसाइज कीजिएगा तो खुद को फिट रखिएगा। एक्सरसाइज करने से हम खुद को फिट रखेंगे। एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग वगैरह कीजिए, और उसके अलावा जैसे अनुलोम विलोम, जैसे इस एक नाक को ऐसे बंद किए, फिर सांस ऊपर खींचे, फिर दूसरे को ऐसे फिर रख करके फिर इस नाक के माध्यम से सांस को छोड़े, तो ये इनहेल एक्सहेल कीजिए, फिर मेडिटेशन लीजिए, मतलब नाक का और जो ये फेफड़ा है अपना लंग्स है, इसको इससे संबंधित जो एक्सरसाइज उसको खूब ज़्यादा कीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कीजिए कि जो भी फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल है उसका अलॉट ऑफ क्वान्टिटी में उसको कंज्यूम कीजिए, अलॉट ऑफ क्वान्टिटी में जो भी फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसको कंज्यूम कीजिए। तीसरा चीज़ मीठा खाने से परहेज कीजिए, जो भी स्वीट्स वगैरह है, मीठा चीज़ जो भी है उसको खाने से परहेज कीजिए, अभी कुछ दिनों तक मीठा खाने से परहेज कीजिए। और उसके अलावा अपने बॉडी को काफ़ी मतलब भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कीजिए। चौथा चीज़ भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कीजिए और बॉडी को अब्जॉर्ब करते रहिए। जब भी मतलब कोई लक्षण दिखाई दे, जैसे नाक के पपड़ी काला पड़े या फिर स्वेलिंग वगैरह आ जाए या फिर मतलब सिर दर्द दे, चिड़चिड़ापन आए, हेडेक वगैरह टाइप का लगे, तो तुरंत अपने किसी मतलब डॉक्टर से मिलिए और इसका पहचान कीजिए। तो अभी यही सब चीज़ करके हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इसका भी कोई मतलब दवाई नहीं है। और हमारे देश के जितने भी डॉक्टर लोग हैं वो सभी को अभी कोविड से लोगों को सुरक्षित करने में व्यस्त हैं। तो उन लोगों का ये मतलब डॉक्टर के द्वारा ही बताया गया ये चीज़ है। कुछ कुछ डॉक्टर जो ICMR है वो यहाँ पर बोल दिया है कि ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। जैसे कैंसर से खतरनाक बीमारी है, कैंसर में क्या होता है, गांठ बनता है, फिर गांठ बनते बनते मतलब पूरा एरिया को कवर कर लेता है। ऐसे भी यही कर रहा है, मतलब यहाँ गांठ बना, फिर यहाँ गांठ बना, फिर यहाँ गांठ बना, मतलब पूरे फेस को ये खराब कर दे रहा है। जो कैंसर है, कैंसर को खतरनाक होने में मतलब कि ये घातक होने में कम से कम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1 से 2 महीने का समय लगता है कैंसर को। लेकिन ये जो म्यूकारमाइकोसिस से काला फंगस है, ये 2 से 3 घंटा में ही बहुत डेंजरस जोन में चला जा रहा है। जो पेशेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा 2 से 3 घंटा में ही खतरनाक परिस्थिति में ला दे रहा है, और 2 से 3 घंटा में ही पेशेंट का मृत्यु हो जा रहा है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप अपने आप को इस प्रिक्यूशन के माध्यम से बचाइए, मतलब प्रिक्यूशन को फॉलो करके इस बीमारी के माध्यम से बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखिए। और इसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ बोलेगा कि स्टे होम स्टे सेफ।